हेलो नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं विजय बंसल, मैथ लेक्चरर, जाखल ब्लॉक, डिस्ट्रिक्ट फतेहाबाद से, हरियाणा एजुकेशन डिपार्टमेंट। आज हम अपनी मैथ की क्लास के अंदर कुछ सीखेंगे। प्यारे स्टूडेंट्स, आज जो हम स्टार्ट करेंगे हमारी क्लास 10th का, जो हमारा चैप्टर फर्स्ट है, रियल नंबर्स, ठीक है, उसकी एक्सरसाइज 1.3 स्टार्ट करेंगे। 1.3 के अंदर हमें प्रूफ करना है, ठीक है, कि जैसे फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर ही आप देख रहे हैं, हमें दिया गया है कि हमें प्रूफ करने के लिए कहा गया प्रूव डैट √5 इज इरेशनल, ठीक है, क्योंकि इरेशनल नंबर है, आपको ये प्रूफ करना है। अब ऐसे किसी भी क्वेश्चंस को प्रूफ करने के लिए हमारे पास, ठीक है, हमारे पास क्या होता है मेथड प्रूफ करने के लिए, हम एक मेथड बनता है कि हम उसका प्रूफ सॉल्व करते हैं। जैसे आपने थियोरम्स के अंदर देखा, मीन्स हमारी जो थियोरम्स बनती हैं, ठीक है, उस तरीके से हम उसको सॉल्व करते हैं। और दूसरा मेथड हमारे पास होता है कंट्राडिक्शन मेथड, ठीक है, जिसके अंदर हम कंट्राडिक्ट करते हैं, मीन्स जो चीज़ हमें प्रूफ करनी है हम उसके अपोजिट, ठीक है, उसको गलत मान लेते हैं। जैसे इसमें √5 को हमें एक इरेशनल नंबर प्रूफ करना है, तो हम कह देंगे कि √5 इज नॉट इरेशनल, ठीक है, नॉट इरेशनल, या यूं कहें कि आप √5 को इरेशनल ना कहकर यूं कह सकते हैं √5 इज, लेट करेंगे, ठीक है, √5 इज नॉट इरेशनल, मतलब रैशनल, क्योंकि आप जानते हैं रियल नंबर्स दो टाइप्स के होते हैं, एक इरेशनल और एक रैशनल आपके पास, ठीक है। तो अभी ये चीज लेट करते हैं और लास्ट में प्रूफ कर देते हैं कि आपने जो लेट किया था, मींस वो कंट्राडिक्ट है, वो चीज पॉसिबल ही नहीं है। आपने लेट किया कि √5 रैशनल है, तो इट मींस √5 इरेशनल नहीं है, √5 इज नॉट रैशनल, रोड नॉट रैशनल मींस क्या हो जाएगा, वो इरेशनल हो जाएगा, ठीक है। और ये हमारे पास किसी भी चीज को प्रूफ करने के लिए हमारे पास रहता है, प्रूफ करते हैं तो हम उसकी थ्योरम मेथड से या कंट्राडिक्शन से, ठीक है। और कई बार आपके पास कुछ चीजें हम काउंटर एग्जाम्पल से भी प्रूफ करते हैं, ठीक है। काउंटर एग्जाम्पल्स का हम यूज मेनली, एक चीज का खास ख्याल रखना है हमने, काउंटर एग्जाम्पल का हम प्रूफ तब करते हैं जब हमें उसको नॉट प्रूफ करना हो, ठीक है, जो चीज भी कही गई है वो नॉट में प्रूफ करनी हो, आप उसको काउंटर एग्जाम्पल की हेल्प से प्रूफ कर सकते हैं। काउंटर एग्जाम्पल की हेल्प से आप कभी भी ये चीज नहीं कह सकते, ये हमेशा ही सच होगा आपके पास, ठीक है। इन चीजों के बारे में हम आगे करेंगे, अभी फिलहाल क्योंकि हमने कंट्राडिक्शन मेथड का यूज करना है, ठीक है, तो मैं इसी पर हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आपका फर्स्ट क्वेश्चन देखें, ठीक है, और इसके साथ साथ हम एग्जाम्पल्स के बारे में बात करते चले जाएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर आपको क्या कह रहा है, प्रूव डैट √5 इज इरेशनल, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, लेट कर लेंगे, लेट √5 इज, ठीक है, ए रैशनल नंबर, सो √5 इज इक्वल टू, आप इसको ए बाय बी या पी वाई के जो मर्जी फॉर्म लिखना चाहे वो लिख सकते हैं, ठीक है, इज इक्वल टू, आपने ए बाय बी लिख लिया, वेयर, ठीक है, बी नॉट इक्वल टू जीरो, आपके पास बी आपका जीरो नहीं होगा, एंड एच सी एफ आपके पास जो होगा ए एंड बी का वो क्या होगा, वन होगा, क्योंकि ये लीस्ट फॉर्म के अंदर ही, मीन स्मॉलेस्ट फॉर्म के अंदर ही होगा आपके पास, को प्राइम नंबर होते हैं ये आपके, ठीक है ना, क्योंकि रैशनल नंबर की फॉर्म डेफिनेशन है, एनी नंबर रिप्रेजेंट बाय द ए वाई पी बी कह लीजिए, पी वाई क्यू फॉर्म कह लीजिए, वेयर क्यू नॉट इक्वल टू जीरो, एंड पी एंड क्यू आर द को प्राइम नंबर, मीन्स एच सी एफ ऑफ दैट नंबर इज इक्वल टू वन, आपके पास ये होगा, क्लियर। अब इसी चीज के अकॉर्डिंग हम लेते हुए इसको सॉल्व करेंगे, आपके पास हमने आगे बी को मल्टीप्लाई कर देंगे, इधर बी √5 इज इक्वल टू ए हो गया आपके पास। अब ऑन स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स वी गेट, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, ए की पावर 2 इज इक्वल टू बी √5 की पावर 2, इट मीन्स बी की पावर 2 5 हो गया इंटू 5, मीन्स अगर हम इसके फैक्टर की बात करें तो बी इंटू 5 हो गए, ठीक है, मीन्स ए की पावर 2 के फैक्टर्स ये हो गए आपके पास, इट मीन्स ए की पावर 2 आपके पास 5 से डिवाइड हो सकता है, ठीक है, आप डिवाइड लिखना चाहे डिवाइड वर्ड यूज कर सकते हैं, फैक्टर वर्ड यूज करना चाहे फैक्टर वर्ड यूज कर सकते हैं, ठीक है, वो आपकी चॉइस पर डिपेंड करता है, जैसा भी आप लिखना चाहें इसके बारे में, क्लियर। सो 5 इज ए फैक्टर ऑफ ए की पावर 2, ठीक है, सो 5 इज आल्सो ए फैक्टर ऑफ ए, ठीक है, क्योंकि अगर ए की पावर 2 के अंदर, ए की पावर 2 के अंदर हर नंबर 2 टाइम्स आता है, अगर 5 ए की पावर 2 का फैक्टर है तो 5 ऑब्वियसली ए का फैक्टर भी होगा ही होगा, ठीक है, इसको हम फर्स्ट इक्वेशन कह देते हैं आपके पास। नाउ लेट, ठीक है,
हमने क्या किया, क्योंकि 5 आपके पास a का फैक्टर है, तो हम a इज इक्वल टू 5c लेट कर लेते हैं, ठीक है। अब अगेन ऑन स्क्वेयरिंग, आपके पास ऑन स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स वी गेट, आपके पास क्या आ जाएगा, a की पावर 2 इज इक्वल टू 5c की पावर 2 मींस 25, c की पावर 2 हो गया। अब क्योंकि a की पावर 2 आपके पास किसके इक्वल था, 5b की पावर 2 इज इक्वल टू 25c की पावर 2 हो गया, तो 5 से दोनों नंबर्स को डिवाइड कर दें तो b की पावर 2 5c की पावर 2 हो गया आपके पास। इट मींस आपके पास इसके फैक्टर 5 इंटू सी हो गया, मींस 5 आपके पास b की 2 का फैक्टर है, ठीक है। सो 5 इज ए फैक्टर ऑफ b की पावर 2 एंड, ठीक है। सो 5 इज आल्सो ए फैक्टर, ठीक है, आल्सो ए फैक्टर ऑफ b, ठीक है आपके पास। तो अगर b की पावर 2 का फैक्टर है तो ऑब्वियसली b का फैक्टर भी होगा आपके पास, ठीक है। अब इसको हमने सेकंड इक्वेशन क्या दिया, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड आपके पास HCF ऑफ a एंड b, क्योंकि 5 a का फैक्टर भी आ रहा है, 5 b का फैक्टर है, मींस a के जो फैक्टर्स हैं उसके अंदर भी 5s हैं और b के जो फैक्टर्स हैं उनके अंदर भी 5s हैं, तो उनमें कॉमन कम से कम 5 तो आएगा ही आएगा। इट मींस उनका जो HCF है वो 5 होगा ही होगा, ठीक है। बट हमने जो लेट किया था, बट वी लेट, ठीक है, HCF आपके पास a एंड b का कितना माना था हमने, 1, क्योंकि को प्राइम नंबर है बाय डेफिनेशन आपके पास, ठीक है। इट मींस आपके पास आपका ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। सो इट इज नॉट पॉसिबल, ठीक है, सो इट इज नॉट पॉसिबल, दैट इज आवर कंजप्शन, ठीक है। हमने कंट्राडिक्शन मेथड में यही किया, हमने जो लेट किया उसको लास्ट में प्रूफ कर दिया कि जो हमने लेट किया था वो गलत था, ठीक है। सो आवर कंजप्शन इज रॉन्ग, मतलब हमने जो लेट किया वो गलत है, ठीक है। आपके पास अगर आप हमारी कंजप्शन रॉन्ग है, सो तो इट मींस आपके पास क्या हुआ, सो रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर, ठीक है, आपके पास क्या हो जाएगा, ये इरेशनल नंबर हो जाएगा, क्लियर। इस तरीके से आपका ये प्रूफ हो जाता है। सेम इसी मेथड से हमारे पास, ठीक है, अगर आप इसके अंदर दिए गए कंसेप्टों के बारे में अगर हम देखें, आपको जो थ्योरम 1.4 दे रहा है, ठीक है, इसके अंदर आपको क्या कह रहा है, रूट 2 के बारे में कह रहा है। तो कुछ नहीं, आपने इस नंबर्स के अंदर, क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर 5 था, तो यहाँ आपके पास देखो क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर 5 था, ठीक है, आपका थ्योरम 1.4 के अंदर आपको रूट 2 दिया गया, ठीक है। तो सेम मेथड आपके पास रहेगा, सिंपल 5 की जगह आपके पास 2 आ जाएगा, जहां जहां आपके पास 5 है वहां वहां वो सब डिजिट आपके पास क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी आपके पास, ठीक है। बाकी पूरे क्वेश्चंस के अंदर कहीं भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, आपके पास 2 हो जाएगा, 25 का ये 4 बन गया आपके पास, ठीक है, 2 हो जाएगा, ये दिस इज अ 4, सो 2 एंड 2, ठीक है। सो 2 इज ए फैक्टर ऑफ बी की पावर 2, सो 2 इज आल्सो फैक्टर ऑफ बी, फ्रॉम फर्स्ट HCF 2 बट गिवन, सो अपन नॉट पॉसिबल, ठीक है, ये बन जाएगा। और हम एग्जांपल नंबर अगर 9 की बात करें, ठीक है, एग्जांपल नंबर 9 के अंदर आपके पास क्या दे रहा है, आपको ये रूट 3 के बारे में बात कर रहा है, ठीक है, हमें कह रहा है कि प्रूफ करना है हमें रूट 3 इज एन इरेशनल नंबर आपके पास, ठीक है। तो आपके पास उसी कंसेप्ट के अकॉर्डिंग बाकी जो मेथड आपका करने का वो सारा सेम रहना है, ठीक है, सिर्फ ये 2 की जगह आपके पास यहाँ पर क्या बन जाना है, 4 कंसेप्ट 3 आ जाएगा आपके पास। हमें प्रूफ करना है रूट 3, तो हमने लेट कर लिया, एग्जांपल नंबर 9 है हमारा ये, रूट 3 इज एन रैशनल नंबर, सो रूट 3 इज इक्वल टू ए बाय बी, सो मल्टीप्लाई कर दिया आपके पास ऑन स्क्वेयरिंग, ठीक है, 3 का स्क्वेयर आपके पास 3 हो जाएगा, ये बी इंटू 3 हो जाएगा, सो 3 इज ए फैक्टर ऑफ ए की पावर 2, सो ठीक है, एंड सो 3 इज आल्सो ए फैक्टर ऑफ ए, सो लेट कर लिया हमने a इज इक्वल टू 3c ऑन स्क्वेयरिंग ऑन द बोथ साइड्स आपके पास, ठीक है, a इज इक्वल टू 3c की पावर 2, सो 9c की पावर 2, ठीक है, सो a की जगह हमने 3b की पावर 2 लिखा, ये 9c की पावर 2, सो b की पावर 2 क्या हो गया आपके पास, 3c की पावर 2 होगा, इट मींस ये 3 इंटू सी हो गया, सो 3 इज ए फैक्टर ऑफ a की b की पावर 2, ठीक है, एंड सो 3 इज आल्सो ए
फैक्टर ऑफ बी आपके पास, सो एच सी एफ ए एंड बी का क्या आ जाएगा आपके पास 3 आ जाएगा, बट हमें जो लेट किया था उसमें एच सी एफ आपका 1 था, सो आवर ये पॉसिबल नहीं है कि दो एक ही सेम नंबर के दो एच सी एफ हो जाए आपके पास। इट मीन्स हमारी जो कंजप्शन है वो रॉन्ग है। हमारी कंजप्शन क्या थी, रूट 3 को हमने रैशनल नंबर माना था, सो रूट 5 इज एन इरी रैशनल नंबर हो जाएगा आपके पास। क्लियर? अब इसी पर बेस हम देखते हैं हमारे पास, ठीक है। ये तो सिंपल अगर आपको रूट के अंदर नंबर मिला, अगर रूट के अंदर नंबर ना मिलकर आपको, ठीक है, कुछ भी इसके साथ 1 प्लस प्लस माइनस में मल्टीप्लिकेशन में डिवाइड में कोई भी नंबर मिल जाता है आपको, ठीक है, किसी भी फॉर्म के अंदर मिल जाता है, तो हम इसको थोड़ा सा और इजी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, फिर क्योंकि हम रूट वाले नंबर्स को लेट कर सकते हैं कि आपके पास ये चीज़ें गिवन है। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर देखिए, इसमें भी आपको कहा गया है प्रूव दैट 3 प्लस 2 रूट 5 इज इरेशनल, ठीक है। और थर्ड क्वेश्चन में कह रहा है प्रूव दैट द फॉलोइंग आर इरेशनल। इसमें देखो फर्स्ट में 1 बाय रूट 2 दे रहा है, सेकंड में 7 रूट 5 दे रहा है, थर्ड में 6 प्लस रूट 2 दे रहा है। देखो सेकंड क्वेश्चन में आपको कह रहा है रूट 5 के साथ मल्टीप्लाई करके फिर ऐड करके नंबर, थर्ड के फर्स्ट पार्ट में आपको डिवाइड करके सेकंड पार्ट में मल्टीप्लाई किया गया, थर्ड पार्ट में प्लस करके। इन सभी क्वेश्चन को हम थोड़ा सा इजी मेथड से कर सकते हैं। कैसे, हम वही काम करते हैं इसके अंदर, करेंगे कंट्राडिक्शन मेथड का ही यूज हमारे पास, ठीक है ना। कंट्राडिक्शन मेथड है हमारा, लेट जो भी नंबर दिया गया आपको 3 प्लस 2 रूट 5 इज ए रैशनल नंबर, ठीक है, हमने इसको रैशनल नंबर लेट कर लिया। सो आपके पास 3 प्लस 2 रूट 5 को आप a बाय b लिख सकते हैं, वेयर b नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, एंड HCF आपके पास बाय डेफिनेशन a एंड b का 1 होना चाहिए। देखो एक मेथड तो आपके पास ये बनता है कि आप यहाँ से पूरे नंबर्स को ना लेकर अकेले रूट 5 को लेते, ठीक है, और प्रूफ कर देते और लास्ट में लिख देते ये रैशनल नंबर है प्लस ये रैशनल नंबर है और ये इरेशनल नंबर है, ठीक है। तो आप लिख देते रैशनल प्लस रैशनल, जैसा भी जिस भी फॉर्म में दिया गया, और रूट 5 आपका इरेशनल प्रूफ हो जाता, ठीक है, मीन्स फर्स्ट क्वेश्चन की तरह सेम, ठीक है, वो सारा मेथड चलेगा सेम मेथड, फिर आपके पास सेम मेथड लागू होता है। रूट यहाँ आपने प्रूफ कर दिया रूट 5 इज, सो रूट 5 इज इरेशनल, ठीक है। नाउ 3 एंड 2 आर रैशनल नंबर, जो इसके अंदर डिजिट यूज हुए उनके बारे में लिख देंगे, ठीक है। इरेशनल, रैशनल प्लस रैशनल इनटू इरेशनल इज इक्वल टू इरेशनल नंबर, ठीक है, क्योंकि इरेशनल को रैशनल से जोड़कर हम रैशनल करें, मल्टीप्लाई करें, जोड़ें, कुछ भी करें, तो वो इरेशनल नंबर ही बनेगा। सो 3 प्लस 2 रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर, ठीक है, ये आपका प्रूफ हो जाएगा। क्लियर? ये तो हमारे पास एक मेथड बनता है, ठीक है, आपके फर्स्ट मेथड का ही यूज करते हुए लास्ट में ये 4-5 लाइनें आपकी एक्स्ट हो जाएंगी। अगर आप इस चीज को नहीं करना चाहते तो यहाँ आपका एक शॉर्ट, थोड़ा सा इन क्वेश्चनों के अंदर आपका शॉर्ट मेथड भी अप्लाई हो सकता है। इसमें हम क्या करते हैं फिर, ठीक है, रूट 5 को एक तरफ रखने की कोशिश करते हैं, बाकी सभी जो रूट के अंदर नंबर्स होगा उसको एक तरफ रखेंगे, बाकी सभी को हम राइट साइड में ले जाएंगे। 2 रूट 5 इज इक्वल टू ए बाय बी माइनस 3, ठीक है, एंड नेक्स्ट आपके पास रूट 5 इज इक्वल टू ए बाई 2 से डिवाइड कर दें 2b माइनस 3 बाई 2, ठीक है, आपके पास ही हो गया। अब बिकॉज जो भी ये नंबर है a b और डिजिट कौन से है 3 एंड 2 आर रैशनल नंबर, ठीक है, ये आपके सारे क्या है रैशनल नंबर है। सो आपके पास ये पूरा नंबर क्या बना a माइनस 3 बाय 2b बाय 2, इस पूरे नंबर की बात करेंगे, इज आल्सो a रैशनल नंबर, ठीक है, इसलिए आपके पास ये भी क्या होगा एक रैशनल नंबर होगा, बट जो रूट 5 है, ठीक है, बट रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर, परंतु जो रूट 5 है वो एक इरेशनल नंबर है, ठीक है, आपके पास ये आपको रूट 5 एक इरेशनल नंबर है और ये रैशनल है, ठीक है, दैट मीन्स इट मीन्स इरेशनल नंबर इज इक्वल टू रैशनल नंबर, ये बन गया आपके पास, ठीक है। फिर इसमें हम क्या करते हैं, इस मेथड के अंदर आपका जो रूट के अंदर नंबर होता है उसका हम कंसेप्ट ये यूज करते हैं कि वो हमें पता है वो इरेशनल है, ठीक है ना,
इस कंसेप्ट का यूज करके आपके क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है. इरी रेशनल नंबर इज इक्वल टू रेशनल नंबर, इट इज नॉट पॉसिबल, इट इज नॉट पॉसिबल. सो आवर कंजप्शन इज रॉन्ग, इसलिए हमारी जो कंजप्शन है वो रॉन्ग है आपकी. ठीक है, रॉन्ग है तो क्या हो गया. सो 3 + 2√5 इज एन इरेशनल नंबर. ठीक है, ये हो जाएगा आपके पास. क्लियर. ऐसे ही हम जो थर्ड क्वेश्चन है उसको भी हमने सेम इसी मेथड से आप सॉल्व कर सकते हैं. फर्स्टली आपका रूट वाला यूज करें, पहले क्वेश्चन वाला यूज करके लास्ट की वही चार लाइनें आप लिख सकते हैं. नहीं आप चाहें तो इसी मेथड को यूज कर सकते हैं. कैसे, जैसे मान लीजिए अगर हम क्वेश्चन नंबर थर्ड की फर्स्ट पार्ट की बात करते हैं, ठीक है, तो सिर्फ थोड़ी थोड़ी बीच में चेंजिंग होगी. फर्स्ट पार्ट में आपको क्या दे रहा है, 1/√2 दे रहा है, तो वही चेंज होगा यहाँ पर. ठीक है, आपके पास बाकी सारा कंसेप्ट वही सेम आ जाएगा. ठीक है, तो उसी का देखें आपको क्या कह रहा है, 1/√2 कह रहे हैं. ठीक है, हमने लेट कर लिया 1/√2 इज ए रेशनल नंबर. सो 1/√2 इज इक्वल टू ए बी. सो आप, क्योंकि हमारा टारगेट है रूट के अंदर नंबर इंडिविजुअल लेकर आना, ठीक है, सो आपने √2 इज इक्वल टू बी बाई ए हो जाएगा. ठीक है, आपके पास क्योंकि ए एंड बी आर रेशनल नंबर है आपके दोनों के दोनों, ठीक है, इंटीजर्स है ये. ठीक है, हमने लेट किया यहां पर, आपके पास जो बी नॉट इक्वल टू जीरो एच सी एफ ए एंड बी लिया, नॉट इक्वल टू वन लिया, और यहां पर मेंशन करना चाहे मेंशन भी कर सकते हैं आप. ठीक है, जो ए बी नंबर्स हैं वो आपके पास किसको बिलोंग करेंगे, एनी रियल नंबर्स को. ठीक है, सॉरी रियल नंबर्स को ना बिलोंग करके हमें, क्योंकि ये रेशनल नंबर को लेने, रियल नंबर के अंदर तो आपका इरेशनल नंबर भी आ जाएंगे. ठीक है, ये बिलोंग करेंगे आपके इंटीजर्स को. ठीक है, इंटीजर्स होंगे आपके पास, ए बी आर आपके रेशनल नंबर्स हैं, क्योंकि जो इंटीजर्स होते हैं वो रेशनल नंबर का ही पार्ट होते हैं. सो आपके पास इन्हीं चीज़ों का, अगर हम नंबर की बात करें, बी बाय ए, ठीक है, इज आल्सो ए रेशनल नंबर, बट इसके अंदर आपके पास क्या है, रूट टू इज एन इरेशनल नंबर. दैट इज इरेशनल नंबर इज इक्वल टू रेशनल नंबर, इट इज नॉट पॉसिबल, सो आवर कंजप्शन इज रॉन्ग. सो 1/√2 इज एन इरेशनल नंबर, ये आपके क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा. ठीक है, एंड नेक्स्ट अगर हम देखते हैं इसके सेकेंड पार्ट का, ठीक है, उसके अंदर 7√5 की बात की गई है, तो उसको अंदर 7√5 लेंगे आपके पास. ठीक है, तो वो आपके पास क्या हो जाएगा, लेट करेंगे हम इसके सेकेंड पार्ट के अंदर, आपने 7√5 को लेट कर लिया इज ए रेशनल नंबर. सो 7√5 इज इक्वल टू ए बी हो जाएगा. सो आपके पास यहाँ से √5 इज इक्वल टू ए बाय 7 बी, 7 से हमने डिवाइड कर दिया. सो आपके पास क्योंकि ए बी, ठीक है, एंड 7 आर रेशनल नंबर है आपके पास, क्योंकि ए बी इंटीजर्स है, 7 खुद ही एक इंटीजर्स है, तो आपके पास रेशनल नंबर हो गए एक प्रकार से. सो इनसे बनने वाला नंबर है, क्योंकि इंटीजर्स को आप जोड़े घटाएं गुना करें भाग करें, तो जो आंसर बनेगा वो आपके पास एक आल्सो ए रेशनल नंबर, बट √5 है इसके अंदर आपके पास. सो √5 इज एन इरेशनल नंबर हो जाएगा आपके पास. ठीक है, इज एन इरेशनल नंबर, दैट इज इरेशनल नंबर इज इक्वल टू रेशनल नंबर, इट इज नॉट पॉसिबल, सो आवर कंजप्शन इज रॉन्ग. सो आपके पास नंबर क्या गिवन था, 7√5, ठीक है, इज एन इरेशनल नंबर, ये आपके क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा. क्लियर. ऐसे ही सेम आपके पास हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट आगे थर्ड पार्ट, उसके अंदर हमें क्या कह रहा है करने के लिए उसको देखेंगे. थर्ड पार्ट के अंदर, थर्ड पार्ट के अंदर भी सेम आपके पास इसी टाइप का नंबर दिया गया. ठीक है, उसके अंदर आपको क्या कह रहे हैं, 6 + √2 दिया गया. ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपके पास थर्ड, ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड का थर्ड पार्ट आपको कह रहा है, लेट करेंगे हम 6 + √2 इज ए रेशनल नंबर. सो 6 + √2 को हम a बाय बी फॉर्म में लिख सकते हैं. सो √2 आपके पास a बाय बी माइनस 6 हो जाएगा आपके पास. ठीक है, आप चाहें तो इनका एलसीएम भी ले सकते हैं, a माइनस 6b बाय बी आपके पास. ठीक है, क्योंकि a भी आपके इंटीजर्स हैं और 6 भी इंटीजर्स हैं. ठीक है, तो आपके पास इसलिए, सो a b एंड 6 आर रेशनल नंबर. सो ठीक है, बिकॉज कर रहे हैं यहां पर क्योंकि, सो a माइनस 6b बाय बी
इज ऑल्सो ए रैशनल नंबर, बट आपके पास जो नंबर दिया गया है स्क्वेयर रूट के अंदर वो 2 इज एन इरेशनल नंबर है, दैट इज इरेशनल नंबर इज इक्वल टू द रैशनल नंबर, इट इज नॉट पॉसिबल, सो आवर कंजप्शन इज रॉन्ग, सो आवर जो गिवन नंबर सेलेक्ट किया था हमने 6+√2 इज एन इरेशनल नंबर, ठीक है, ये हमारा प्रूफ हो जाएगा, क्लियर। इसके बाद देखते हैं हमारे पास दो एग्जाम्पल दिए गए हैं, एग्जाम्पल नंबर 10 और 11, उसके अंदर भी सेम आपके पास यही दिया गया। सबसे पहले मैं एग्जाम्पल नंबर 11 करवा रहा हूँ आपको, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर आपको नंबर्स दिया गया सिंपली 3√2 को प्रूफ करने के लिए, ठीक है, प्रूफ करना है आपके पास 3√2 इज एन इरेशनल नंबर। तो आपके पास 3√2 आपके पास क्या हो गया, हमने रैशनल में लेट किया जिसको हम ए बाई वी फॉर्म में लिख सकते हैं, वेयर वी नॉट इक्वल टू 0, एच सी एफ ए बी इक्वल टू 1 और ए बी बिलोंग्स टू इंटीजर्स। ये अपने फर्स्ट क्वेश्चन का जो क्वेश्चन नंबर हमारा फर्स्ट था ना उसके अंदर भी इसको जरूर लिखेंगे, मैंशन करेंगे उसके अंदर, शायद मैं इस चीज़ को लिखना भूलना गया हूँ, ठीक है, तो ये ख्याल रखना इसको जरूर लिखना आपने। सो रूट टू इज इक्वल टू आपके पास क्या बन जाएगा, 3 यहाँ मल्टीप्लाई है आपका डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, और ये आपके पास यहाँ से पोर्शन खत्म हो गया आपका, ठीक है। सो आपके पास ए बी एंड 3 आपके रैशनल नंबर्स हैं, सो ए बाई 3 बी इज ऑल्सो ए रैशनल नंबर बट रूट टू इज एन इरेशनल नंबर, सो दैट इज इरेशनल नंबर इज इक्वल टू रैशनल नंबर, इट इज नॉट पॉसिबल, सो आवर कंजप्शन इज रॉन्ग, आवर कंजप्शन क्या थी, रैशनल नंबर लेट किया गया था, सो आपके पास 3√2 इज एन इरेशनल नंबर, ठीक है, ये आपके पास प्रूफ हो जाएगा, क्लियर। इसके बाद देखते हैं हमारे पास हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर आपका 10, ठीक है, इसके अंदर में क्या करना है मैं आपको दोबारा अगेन सारा कुछ लिखते हुए एक्सप्लेन कर देता हूँ क्वेश्चन को, ठीक है, ताकि आपके पास फिर एक कंसेप्ट रिटन फॉर्म के अंदर आपके पास दोबारा फिर क्लियर हो जाए। एग्जाम्पल नंबर 10, इसके अंदर में करना है 5-√3 को, ठीक है, तो आप लेट करेंगे 5-√3 इज ए रैशनल नंबर, ठीक है, हमने लेट कर लिया इसको, सो 5-√3 को रैशनल नंबर है तो हम इसको न्यूमिरेटर अपॉन डिनोमिनेटर की फॉर्म में लिख सकते हैं, ए बी लिखा हमने वेयर, ठीक है, ए एंड बी बिलोंग्स टू इंटीजर्स, बी नॉट इक्वल टू 0 एंड एच सी एफ ऑफ ए एंड बी इज इक्वल टू 1 आपके पास, ठीक है। अब उसी चीज के अकॉर्डिंग आपके पास हमें देखना है आगे कंसेप्ट चलेगा, आपके पास आपको बताया था कि जैसे रूट को एक तरफ रखने की कोशिश करनी है तो ए बी माइनस 5 हो जाएगा आपके पास, दूसरे नेगेटिव आ गया तो उसको पॉजिटिव करने के लिए हम दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा, आपने इन दोनों का एलसीएम लिया, ठीक है, तो ये 5b-a हो गया आपके पास, ठीक है। अब इसमें आप आगे क्या लिख मेंशन कर सकते हैं अगर हम करना चाहें, बिकॉज a b ठीक है एंड 5 आर इंटीजर्स, ठीक है, आप ये भी लिख सकते हैं किनको इंटीजर्स, सो ठीक है आपका जो इंटीजर्स है तो 5b-a/b आप इनको रैशनल नंबर्स लिखना है रैशनल लिख सकते हैं, इंटीजर्स लिखना है इंटीजर लिख सकते हैं, इंटीजर्स को आप क्योंकि जोड़ घटा कर रहे हैं, इनको एडिशंस कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं, तो इनसे जो आंसर मिलेगा आपको वो हमेशा एक रैशनल नंबर ही होगा। सो 5b-a/b ठीक है इज ए रैशनल नंबर, ठीक है, ये आपका एक रैशनल नंबर होगा, बट रूट 3 इज एन इरेशनल नंबर है ये आपके पास, ठीक है, ये क्या आपका एक इरेशनल नंबर है, क्लियर। और डैडी इसका मतलब क्या हुआ, इरेशनल नंबर, ठीक है, इरेशनल नंबर इज इक्वल टू आपके पास रैशनल नंबर हो गया, ठीक है, इट इज नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है, सो आवर कंजप्शन मीन्स ये कंट्राडिक्शन मेथड के अकॉर्डिंग हमारे पास क्या हो गया, हमने जो लेट किया था उसके अकॉर्डिंग उसका उल्टा हमने लेट किया और उसको प्रूफ कर दिया कि जो हमने लेट किया है वो रॉन्ग है, सो आवर कंजप्शन इज रॉन्ग, ठीक है, इसलिए हमारी जो कंजप्शन है वो रॉन्ग है, आपकी कंजप्शन क्या थी, इसको रैशनल नंबर माना था, मतलब डैट इज रूट सॉरी 5-√3 आपने रैशनल माना था इज नॉट ए रैशनल नंबर, मीन्स ये रैशनल नंबर नहीं है, ठीक है, आप इस लाइन को नहीं लिखना चाहते तो डायरेक्ट ये भी लिख सकते हैं ये रैशनल नहीं है, तो इट मीन्स क्या हुआ, क्योंकि रियल नंबर 2 टाइप्स के ही होते हैं, एक रैशनल दूसरा इरेशनल, अगर रैशनल नहीं है तो वो क्या होगा, इरेशनल होगा, सो 5-√ इज एन इरेशनल नंबर आपके पास, ठीक है, ये आपका प्रूफ हो जाएगा।
क्लियर। इस तरीके से अपने जो एक्सरसाइज है 1.3 इसको कंप्लीट कर लेना। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू स्टूडेंट्स। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों फ्रेंड्स के साथ इसको जरूर शेयर करें, और अगर आपने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल विजय जाखल बंसल मैथ को नहीं सब्सक्राइब किया है तो सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल विजय जाखल बंसल मैथ। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू स्टूडेंट्स।